लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी नीट जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा सीकर एवं जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, इतना ही नहीं क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर मैं आपके लिए खास बुलेटिन। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का है ना, मैं हूँ देशराज यादव। और खबरों की शुरुआत उस खबर से जो खबर है आपके लिए जरूरी। नीमराणा जनक सिंहपुरा में दूषित कलाकंद एवं बदबूदार मावा मौके पर ही करवाया नष्ट। राजस्थान सरकार द्वारा दिवाली विशेष शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत ओम प्रकाश सारण अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपुतली बहरोड के दिशा निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोटपुतली बहरोड डॉक्टर आशीष शेखावत के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दल ने शिकायत पर मंगलवार को ग्राम जनक सिंहपुरा नीमराणा में परम दिक्षु वंशु मिल्क एजेंसी पर कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार यादव ने बताया कि काफी दिनों से मिलावटी कलाकंद की बिक्री हाईवे के आसपास के होटलों एवं रेस्टोरेंट पर होने की सूचना मिल रही थी। उसी सूचना को जांच दल द्वारा जांचा गया, साथ ही जांचने पर सूचना सही पाई गई, जिस पर कार्रवाई की गई। और मौके पर कार्रवाई के दौरान मिल्क पाउडर के कट्टे, रिफाइंड तेल के पीपे, सूजी की बोरियां मिली। साथ ही खाद्य सुरक्षा दल द्वारा प्रतिष्ठान के मालिक को फोन पर बात करके मौके पर ही आने के लिए कहा, लेकिन प्रतिष्ठान का मालिक मौके पर नहीं पहुंचा। वहां पर उपस्थित हलवाई और कर्मचारियों द्वारा यह बताया गया कि हमारे द्वारा मिल्क पाउडर, सूजी और रिफाइंड तेल मिलाकर कलाकंद बनाया जा रहा है, जो कि आसपास के होटलों एवं रेस्टोरेंटों पर दूध निर्मित कलाकंद के नाम से बेचा जाता है। प्रतिष्ठान के मालिक हरिराम पुत्र राम सिंह निवासी जनक सिंहपुरा नीमराणा द्वारा मिलावटी कलाकंद को 150 से 160 रुपए के किलो में आसपास की सभी होटलों एवं रेस्टोरेंटों पर सप्लाई किया जा रहा था, जो कि दूध निर्मित कलाकंद बताकर 400 से 450 रुपए किलो के भाव बेचा जा रहा था। इस मौके पर कलाकंद एवं मावे के सैंपल लिए गए, उनको जांच के लिए जयपुर लैब में भेजा गया। मौके पर लगभग 50 किलो दूषित कलाकंद एवं 60 किलो बदबूदार मावे को नष्ट करवाया गया। जांच दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोशनलाल यादव एवं महिपाल गुर्जर मौजूद रहे। दिन से हमारे डिपार्टमेंट द्वारा ये रिकी की जा रही थी कि यहाँ पे जो राजस्थान रोडवेज की और हरियाणा रोडवेज की बसें रुकती हैं अपने यहाँ पे, वहाँ पे मिलावटी कलाकंद 140-150 रुपए किलो के भाव में बेचा जा रहा है। इस तरह की खबर हमें मिली, हमारी टीम द्वारा वहाँ पे गया, चेक किया गया, तो ये खबर पुष्टि हो गई कि ये चीज़ हो रही है। उसके बाद हमें पता चला कि ये दिक्षु एंड वंशु मिल्क इंडस्ट्री है, जिसके मालिक सहीराम जी हैं, जनकपुरा के नीमराणा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ये सप्लाई की जाती है वहाँ पर। हमने मौके पे देखा और इनकी इंडस्ट्री का पता किया और यहाँ पे आए, तो ये सब चीज़ें मिली कि यहाँ पे मिल्क पाउडर, तेल, सूजी, इस तरह के मिला के वो मिलावट करके इस तरह का लगन बना रहे हैं, जो को 140-150 रुपए में ये खरीद करके वहाँ भेज रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो आज हमने मौके पे हमारी टीम के साथ यहाँ कार्रवाई करी, इसके नमूने ले लिए गए हैं और अब जो खराब माल है उसको नष्ट। सर, कुछ बताया जाएगा कि कैसे बना रहे थे या कैसे, क्या इनकी प्रक्रिया है बनाने की? ये बेसिकली इन्होंने दूध और चीनी ना मिला के ये सूजी और तेल, फैट बढ़ाने के लिए तेल मिला देते हैं और ये सूजी मिला के और इसके साथ आपकी चीनी मिला के, मिल्क पाउडर मिला के, इस तरह से बना रहे थे। और कलाकंद के नाम पे, क्योंकि दूध का कलाकंद है, उसके नाम पे भेजा। तो सर, कितना क्या जो माल पकड़ा है आपने? अभी करीब 50 किलो कलाकंद मिला है और करीब 50 किलो ही मावा मिला है यहाँ पे, और कुछ सिंथेटिक अपने पाउडर मिले हैं यहाँ पे और मिल्क पाउडर के कट्टे मिले, उनको मैं जब्त करके बाकी को नष्ट कर। क्या कार्रवाई होगी सर, जो बनाने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई करेगी? इस पे हमारे FSSAI 2006 के नियम के, अगर अभी इस काम जो नमूना लिया है ये लैब में भेजेंगे, जैसे ही वहाँ से जो लैब रिपोर्ट आती है, अगर सब स्टैंडर्ड आता है, तो इस पे EDM के पास केस लगेगा, जिसमें 5 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। और अगर ये अनसेफ कैटेगरी में आता है तो इसमें सजा है और 5 लाख तक का। तो सर, त्योहारों का सीज़न है, मिलावट का तो काम चल ही रहा है, तो ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? हाँ, अभी हमने यहाँ से अभी मैं व्हाट्सअप नंबर भी जारी करेंगे CMHO ऑफिस से, और आप सर डायरेक्ट CMHO साहब को भी बता सकते हो अगर इस तरह की कोई कार्रवाई आती है। एक हमारे MFTL भी यहाँ चलती है, उस पर भी आप जांच करवा सकते हो। तो अभी त्योहारी सीजन, आप लोग सहयोग करेंगे तो हम बुलाते हैं। थैंक यू। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort, the epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नेता मोहित यादव व साथी छात्र नेताओं के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में चल रही
सिंडिकेट की मीटिंग का घेराव करके विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत करवाया कि प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से आम छात्र की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, छात्रों की समस्याओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं छात्र नेता मोहित यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले आम छात्रों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षा से संबंधित ड्यू पेपर, रिवेल्युएशन फॉर्म आदि की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाए, जो इन सभी विषयों पर स्पष्ट तरीके से जांच करके आम छात्र के साथ न्याय करने का काम करे। अंदर आएंगे लाइन लगा के बहरोड के साथ साथ नीमराणा में भी रोनित अलाइनमेंट एंड सर्विस स्टेशन की सेवाएं शुरू। नियर हीरो चौक जयपुर रोड मोहलडिया हमारे यहां पर गाड़ियों की बेहतरीन धुलाई के साथ साथ अलाइनमेंट बैलेंसिंग की जाती है, वह भी ऑटोमेटिक कंप्यूटर मशीनों के द्वारा। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। प्रोप्राइटर महेंद्र सिंह यादव, संदीप यादव, खोहरी वाले। राजस्थान पंचायती राज्य माध्यमिक शिक्षा संघ के नीमराणा उपशाखा के चुनाव पर्यवेक्षक जयद्रथ यादव व चुनाव अधिकारी सत्येंद्र सिंह की देखरेख में संपन्न हुए। ब्लॉक सदस्यों की बैठक का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमराणा में किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष पर राज सिंह यादव का व सभा अध्यक्ष पद पर देवेंद्र कुमार यादव का चुनाव किया गया। साथ ही मंत्री रणवीर सिंह यादव को बनाया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह, परिवाद समिति के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि कुमार, संयोजक सजन सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सासेड़ी, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष किशोर कुमार, बहरोड ब्लॉक अध्यक्ष राम बरोस यादव, सभा अध्यक्ष बुद्ध सिंह यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। राजस्थान पुलिस का सखी संवाद पखवाड़ा महिलाओं में बालिकाओं को दे रहे महिलाओं संबंधित अपराध की जानकारी। राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेश भर में सखी संवाद पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बहरोड कस्बे में भी SP राजन दुष्यंत के निर्देश पर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय व महात्मा गांधी विद्यालय बहरोड में आज पुलिस प्रशासन के साथ महिला संबंधित अपराधों, पोस्को अपराध, गुप्त टच एंड बैड टच, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रताड़ना, साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया संबंधित अपराधियों के बारे में पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने विस्तार से जानकारी दी। साथ ही अपराधियों से सजग रहने की भी बात कही। बहरोड कस्बे में स्थित श्री धर्मचंद गांधी जैन राजकीय महाविद्यालय में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक रैली निकाली गई। साथ ही आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के तहत PCPNDT एक्ट पर धर्मचंद गांधी जैन राजकीय महाविद्यालय बहरोड में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर विनय सिंह यादव ने रैली को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। उन्होंने बताया कि कोई भी कानून जब बनाया जाता है तब उसकी महती आवश्यकता होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की औसत संख्या कम हो रही है। इसी पर विद्यार्थियों से चर्चा करते हुए कहा कि भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना होगा। इसकी जिम्मेदारी युवाओं के ऊपर होगी, जो सहजता से आम जन को जागरूक कर सकते हैं। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर नेहा राठौड़ ने एक्ट पर विस्तार से प्रकाश डाला और बताया कि बालिकाओं की कोख में ही हत्या कर दी जाती है। यह एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। तो आज के दिन भर में यही है खास, कल फिर लेकर हाजिर होंगे। क्या कुछ रहेगा कल के लिए खास?